अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:30, तो छत पे आया था इन्हें दाना वगैरह डालने के लिए, तो मैंने कहा व्लॉग भी साथ स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। कल तो अंदर जा ही नहीं रहे थे, तो अभी क्या सूरत हाल है, अभी इनका दिल लग गया अंदर के नहीं लगा, तो वैसे भी पानी वगैरह भी चेंज करना है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं ठीक है, माशाल्लाह से दिल लग गया ना, है मेरी कोको कोको, दिल लग गया है कोको, लग तो ऐसे ही रहा माशाल्लाह इनका दिल लग गया। तो अभी इनकी खुराक वगैरह मैं डाल दूँ, खुराक वगैरह भी चूज़ों को डाल दिए, वो मेरा रह गया ट्राईपॉड। कल से ना, कल मैंने सफाई की थी, ट्राईपॉड भी यहीं पे रह गया, तो ये भी उठा लेते हैं, ऐसे खराब ही होगा दो में पड़े। तो मैं बता रहा था इन्हें खाना वगैरह भी डाल दिए, तो अब कोई मसला नहीं माशाल्लाह, अब अंदर भी चले गए, पहले बाहर खुद ही आ गए थे, खुद ही अंदर चले गए। खैर अब दिल लग गया, अभी जाना बाजार, एक तो पानी वाला कैन ले गया ना, तो एक नवीब भाई है उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो बनवाना है, तो वहाँ पे पता नहीं कितनी देर लगती है, तो काम बहुत है करने वाले। बाइक भी बैटरी मैंने फिट कर दी थी, वो भी निकाल के देखनी थी स्टार्ट करके, देखते हैं टाइम मिला तो वो भी स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं पानी लेने, और साथ ही नवीब भाई का आई डी कार्ड बनवाना है। सर हो गया ना नारा, शनाख्ती कार्ड बनवाना तेरा एक्सपायर हो भी गया, कितने साल का हो गया है तू तो बाबा हो गया। चल चलिए यहाँ पे आ गए जी नादरा ऑफिस, अभी देख लेते हैं यहाँ पे रश कितना है। तो वैसे लाइन जो है काफी ज्यादा लंबी लंबी होती है, तो देख लेते हैं कितना रश है यहाँ पे, ज्यादा लंबी नहीं होती है। चलो देख लेते हैं, आ गया, वैसे रश तो थोड़ा ही है, कोई भी नहीं है क्या, फिर देखे जा कैन में नुकड़ा दे जा आगे जीत है 1112 ਹੁਣ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਆਓ ਦੇਖ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਣਾ चलो चलो भाई घर पहुंच गए हैं। आज मैंने सोचा था कि बाइक भी अपनी चेक करवाऊंगा कि इसकी बैटरी क्यों इतनी जल्दी ड्रेन हो जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी आज भी नहीं काम होगा ये, अभी तकरीबन 1 बज गया, तभी और भी काम है घर के करने वाले, तो वो करने हैं, तो अगर टाइम हुआ फिर लेके जाएंगे, नहीं तो इसी तरह फिर आज निकाल लेंगे और राइड करके आएंगे। इसका ये भी टूट गया था कल मेरे से, तो इसे भी जोड़ना है एल्फी के साथ। मैं ये एल्फी लेके आया था तकरीबन कल या परसों, तो थोड़ी सी मैंने शूज़ को लगाई थी, शूज़ टूटे थे उन्हें, तो बाद में मैंने रख दिया, तो अभी मैं लेके आया हूँ, तो मैं ऐसे लगा रहा हूँ अंदर से निकल नहीं रही, तो अभी मैंने देखा एल्फी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, अंदर है ही नहीं है, तो ये नहीं मुझे समझ आई कि उड़ गई है, कहाँ गई है, पहली मरतबा हुआ है इस तरह कि एल्फी इतनी जल्दी जो है ख़त्म हो गई है, समझ ही नहीं आ रही ये क्या हुआ। और एल्फी पड़ी थी घर, तो इसके अंदर है थोड़ी सी, तो ये लगा लेते हैं, एल्फी से लगा दिए, तो बस जुड़ जाए। आजकल गैस नहीं आ रही, तो पहले देख लूं गैस आके, अभी तक आई कि नहीं आई, अभी रोटी भी पकानी है, सारा कुछ करना है। गैस बिल्कुल आ गई है, वो गैस आना स्टार्ट हो गई है, अभी आपके सामने है जितनी गैस है, ये चूल्हा मैंने फुल ऑन कर दिया है, और सिर्फ इतना गैस आ रही है अभी, तो 1 बज गए, 2 बजे फिर चली जाएगी। तो मैं तो ऊपर से मेज भी लेके आ गया था, तो चूल्हा जो जिस चूल्हे पे मैं शवाबे बनाया करता था, वो गैस वाला चूल्हा, सिलेंडर भी बड़ा, तो वो अभी ऑन करने लगे थे, गैस आ ही गई है, तो रोटियां वगैरह पक जाएंगी, सालन वगैरह भी बनाना था, तो वो भी नहीं बना अभी, खैर गैस आ गई तो बन जाएगी। चूल्हा भी आ गया ऊपर से नीचे, तो एक साइड पे पहले लगा दिया, दूसरी साइड पे ये वाला लगाना लगता है, तो इसे कहते हैं रेगुलेटर भी लगा दिया इसे, तो रेगुलेटर का फायदा क्या होता है, ये गैस जो ना थोड़ी मकदार में भेजता है आगे, ताकि आगे आग लगने का खतरा ना हो, तो इसलिए ये थोड़ी मकदार में ना, कोई मखसूस मकदार होती है, उसी मकदार में गैस आगे भेजता है चूल्हे की तरफ। पहले जब मैंने ये चूल्हा लगाया था, तो रेगुलेटर नहीं लगाया था, तो चूल्हे के हर तरफ से ना गैस निकल जाती थी, तो आग लगने का बहुत ज्यादा खतरा था, काफी दफा इस तरह हुआ, फिर मैंने जाके रेगुलेटर लगवाया था, ये एक सेफ्टी मेजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये देखने चूल्हा ठीक से चल रहा है ना, तो वो रेगुलेटर की वजह से अभी ठीक चल रहा है, जब रेगुलेटर नहीं लगा था तो यहाँ से भी गैस आती थी, यहाँ से भी आती थी, यहाँ जला नजर आ रहा है ना, इधर से भी आती थी, नीचे से भी आती थी, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक काम था, तो अभी ठीक है फिलहाल। तो गए अभी टाइम जो हो रहा है 8:30 हो रहे हैं, तो आज सारा दिन व्लॉग नहीं किया, काम ही बहुत ज़्यादा था करने वाले, तो व्लॉग कर ही नहीं सका, वो बाइक राइड पे जाना था, 2 दिन से बैटरी चार्ज करके बाइक में फिट की हुई है, लेकिन बाइक निकालने का टाइम ही नहीं मिल रहा। अभी फिलहाल चलते हैं बाहर चाय वगैरह पीने के लिए, तो चलो मौसम बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक? ठंड बहुत हो गई, ठंड बहुत हो गई, धुंध पैन आपी लागे डर है मैंने, अच्छा मदम्मल आ गया, मदम्मल भी आ गया। अभी हमने जाना है हाथ के घर जाना है, तो आज वहीं पे चाय का प्लान है, तो अभी दूध लेने जाना ना, दूध वगैरह लेके आते हैं, तो आहिर के घर ही चाय बनाते हैं, तो वहीं पे बैठ के पीते हैं। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never
Trying to stay strong and fake a smile until I look away. खाना अंडा खाना नहीं खाना मैं क्या अंडा खाना खा दियो मैं भी खा ले रहा अंडा के अंडा 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 होता कि अंडा होता ला भाई पंजाबी में अंडा होता चलो 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 दुध ले लिया ना चले जी दूध भी ले लिया है मैं तू आप ही कहना आ गया अ दुध पकड़ ते चाह बनवा दे टैट जी कर गए हाँ जल्दी कर चाय आ गई छोटे बिस्कुट नहीं लेके आए यार देखी चाह डली सी छोटे तेरे घर सामने आए कोई बिस्कुट बिस्कुट मंगवा लाने थी पत्ते लगे चबो इन बह गए जम्मू तकरीबन 8:30 तो अब हम आ गए हैं घर तो मुझे कमरे में आके दो चीजें नजर आई थी मैंने कहा देखो तो क्या तो ये वैसे तो मेरी जो होते हैं ना ग्लासेस तो उनके डब्बे हैं तो इन डब्बों के अंदर मुझे मिली है अपनी ग्लासेस पुरानी वाली तो ये वाली ग्लासेस मिली हैं तो ये तो इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं तकरीबन 4 साल पुरानी होंगी जब मैं यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ा करता था तो एक ये भी मिली है ये वाली तो ये अब ये भी वैसे यूनिवर्सिटी के दौर की हैं लेकिन कुछ 7 साल पुरानी होगी मेरे ख्याल से कब ये कब ली थी ये नहीं मुझे पता है ये भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है इसी तरह मैंने संभाल के रखी हुई है तो अब वैसे संभाल के रहते हैं किसी एमरजेंसी के बाद जरूरत पड़ जाती है लेकिन ये जो वाला फ्रेम है ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये वाला फ्रेम मुझे दोबारा मिल नहीं रहा ये वाला रे पैन का था तो बड़ा प्यारा फ्रेम था मेरे पास इसका ना रंग वगैरह ज़्यादातर ख़राब हो गई है इसकी तो मैं सोच रहा हूँ कि स्प्रे ला के वो कर दें तो उसके जो ये शीशे हैं तो ग्लासेस वगैरह वो न्यू डलवा लेते हैं तो मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे में सूट भी मुझे लगता है कि करती थी काफ़ी ज़्यादा तो आप बताइएगा सूट करती है कि नहीं करती तो वैसे कैसे लग रहा जीप तो ये थोड़े से छोटे कह रहे हैं कि शीशे हैं पता नहीं बस कैसी लग रही है वैसे हल्की भी लग रही है मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट है फ्रेम ये वाला भारी फ्रेम है ये वाला लाइट फ्रेम है खैर देखेंगे अगर तो ये ठीक होगी इनकी कलर वगैरह तो दोबारा से बनवा के ना ये पहना करेंगे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो आज का व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज वाला छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा वैसे डेली व्लॉग्स बनाता हूँ तो डेली व्लॉग में इसी तरह होता है कि कभी व्लॉग्स अच्छे बन जाते हैं कभी कंटेंट होता है कभी नहीं भी होता तो डेली व्लॉग्स इसी तरह आता है और यूट्यूब का एल्गोरिथम भी यही है कि यार डेली व्लॉग डाला करो तो इसलिए आपका चैनल ग्रो कर सके तो फिर मजबूरी है रोज़ाना व्लॉग भी डालना पड़ते हैं तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए प्लीज़ बटन लाइक का बटन दबा के रखें यार आप लाइक नहीं कर रहे मेरी वीडियोस और सब्सक्राइब नहीं करे चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपको लाता रहूँगा दिखाता रहूँगा अभी सिर्फ बजट इशू होता है जिसकी वजह से आपको फिर मैं घरेलू वीडियोस दिखाता रहता हूँ आप जितना सपोर्ट करेंगे जल्दी जल्दी से चैनल को ग्रो करवाएं ताकि हमारा थोड़ा सा बजट चैनल की तरफ से आना स्टार्ट हो ताकि हम फिर वीडियोस बनाएं और इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हमारे पास मौजूद है तो वो सिर्फ इसी वजह से नहीं करें कि बजट इशू है तो अगर आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तब तक भी इतना ही करता हूँ।